एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी मैं इस ब्लॉग की शुरुआत शाम के 6:30 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं आ गई थी ना एग्जाम, मतलब कल मैं कॉलेज से आ गई थी छुट्टी मार के, और मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं करी, तब से सोई हूँ। मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना इसलिए, और अभी कर रही हूँ पढ़ाई अब, क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं तो पढ़ना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वो दोनों हमारे हॉस्टल का मेन्यू रेडी कर रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं उसमें। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे लिख रहे हैं। ये लॉकडाउन में साबित चुकी है। हमने ऐड नहीं किया है कुछ, कुछ बाद में ऐड करेंगे हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जी हमारी फिक्स नहीं रहती, जो मार्केट में होती है उसके अकॉर्डिंग बनती है, बाकी दाल फिक्स है। गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। समझ में नहीं आ रहा व्लॉग की शुरुआत करूँ या नहीं। प्रियंका छाए मत कर यार, बड़ी मुश्किल से हम ब्रेक के टाइम पे यहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठे हैं, और ये प्रियंका आगे से खड़े होकर कैटवर्क कर रही है, और बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। और आज मैंने बताया 3 स्वेटर बनी, 1 2 3 भी मुझे ठंडा हो रहा है। तूने कितनी पहनी है? 5 अभी तक, 2 कह रही थी, कुछ भी मतलब। गाइज हमारे एग्जाम के सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। कल से तो मैं कॉलेज नहीं आऊंगी, अब घर में लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करूंगी। मैं भी आऊंगी लाइब्रेरी। आएगी कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज की लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, वहाँ बस लोग, मैं बताया डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में प्रियंका में गई थी, वहाँ मैं लोगों को ही देखने में रहेगी। तो गायत्री और मैं लाइब्रेरी जाएंगी। प्रियंका मंडे से, क्योंकि हमारी बहना का मन भी नहीं लगता हमारे बिना आ चुकी है। तुम यहीं पे बैठ जा। पंजाबी तड़का रस्मी लेके आ गई हमारे लिए, ब्रेक के टाइम पे हम खाते हैं, बट हम गायत्री, मैं गायत्री को नहीं दूंगी, प्रियंका को दूंगी, ये मुझे गेम खेलने नहीं दे रही ना इसलिए। हमारे टॉपर अभी क्लास में आ रहे, इतना लेट घर में पढ़ाई कर रहे थे। अब तो खा रहे पंजाबी तड़का, गायत्री को नहीं मिल रहा है बेचारी गायत्री, पूरी क्लास पंजाबी तड़का खा रही है, गायत्री नहीं खा रही है। हमारी क्लास, हमारे कॉलेज में झगड़ा हो गया है, लेट्स सी प्रियंका कौन झगड़ा होगा, गैस कर। देखने जाएगी तभी तो पता चलेगा। इतनी भीड़, मार ही देंगे मेरे को, देंगे। गाइस टाइगर भैया और संजू भैया में हो रही लड़ाई। गाइस झगड़ा तो पता नहीं खत्म हो गया, और टॉपिक भी समझ में नहीं आया, हमारे जाने तक सब खत्म हो गया था। फाइनली गाइस क्लास छूट चुकी है, और अब डर लग गया एग्जाम होने वाले हैं, तो जाते हैं कॉलेज घर। थोड़ी देर यहाँ पे हम धूप सेक लेते हैं। ये रहे हमारे बूबू जी, इनके सामने यहाँ पे है इन लोगों का, जो बाजार वाली लड़कियाँ ना, ये प्रियंका नेगी जैसी लड़कियाँ, वो यहाँ पे धूप सेकती हैं, बल रस्ते में खड़े होके। इनका अड्डा है यहाँ पे धूप सेकने का। कभी कहीं नहीं, सिर्फ फोन पे देख के। गाइस आज हमारी आउटिंग होती है, वेडनेसडे है, 3 बज चुके हैं, 2 घंटे की आउटिंग लेके आई हूँ। एक्चुअली मुझे हेडफोन खरीदने थे, क्योंकि हंस रहे यार, हेडफोन खरीदने थे क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और मैं बिना हेडफोन के रह नहीं सकती हूँ, और वो मेरे घर में ही रह गए, इसलिए मैं नया खरीद लेती हूँ। ये रहे हेडफोन, लेकिन जो मेरे पहले वाले थे ना वैसे नहीं है ये, दीज आर समथिंग डिफरेंट। कैसा लग रहा है प्रियंका? नहीं लग रहा ना, मैं 2 लूँगी, एक खर्चे के लिए, अपने लिए। ये बहुत ज़्यादा विंटर कलेक्शन है, और ये वाले भी हैं, लेकिन इसको पहनूंगी तो मेरा और मजाक बनेगा कॉलेज में, इससे अच्छा मैं वही ले लेती हूँ। बट अभी हम दूसरी शॉप पे देख के आते हैं, और तो बच्चों की भीड़ तो देखो। सेम करिश्मा मैंने शॉप से लिए थे, लेकिन इस बार यहाँ पे है ही नहीं, गाइस शॉप पे भी नहीं है, वो छोटे वाले थे, अब आगे ढूंढते हैं, अगर कहीं मिल गया तो ठीक हुआ। यहाँ पे भी मिल चुके हैं हमें थोड़े से, ये थोड़े अच्छे लग रहे ना प्रियंका, ये कैसे लग रहे? बट ये थोड़ा पतला नहीं है इसका, ये चुभेगा। ये हैं और कलर्स इसमें, यहाँ हैं सारे कलर, देख तो निकाल तो। ये थोड़े चमकीले हैं, ये हमें चाहिए नहीं, यहाँ से चाहिए। समय ये कलर तो पसंद आ रहा है, प्रियंका बता कौन सा लेगी? तो ये कलर से टूटा था, ये टूटा था, अच्छा लग रहा है, एक ही हाथ से ले लेते हैं। इसमें और कलर दिखा दो, ये सारे हेडफोन है, स्काई ब्लू अच्छा लग रहा ना, लेकिन ये कान में चुभने वाले फिट रहते ना गाइस, एक स्काई ब्लू ये अच्छा लग रहा ना, यहाँ से वाला ले लिया है। हाँ सेम है, बट ये थोड़ा चुभ रहे हैं, कौन सा चुभ रहे हैं? तो ले लिए, तो बता अब जो दिखाने फिट आ रहे हैं। गाइस लोग मुझे यहाँ सुना रहे हैं कि व्लॉग टाइम से नहीं आ रहे हैं, डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा, सुना रहे हैं।
प्रियंका क्या तू मुझे बताएगी मेरे ब्लॉग टाइम से क्यों नहीं जा रहे? पेपर आ रहे हैं। तो देयर इज सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं जा पाते टाइम से। मेन तो कॉलेज ही है, कुछ खाने का टाइम नहीं हो रहा है इतना, तो अभी हम मीठा समोसा ले लेते हैं। हॉस्टल के लिए लेट हो रही है। कहीं सुना था गायत्री बोलती है ना अभिनंदन में बहुत अच्छे मीठे समोसे मिलते हैं, तो आज हम चेक कर लेते हैं। गायत्री ने हमें यहाँ रिकमेंड किया था कि इधर जाना। ये रबड़ी है गाइस, इसमें पूरे दूध को गर्म किया जा रहा है, रबड़ी मिठाई बन रही है। अच्छा खा लेते हैं। टेस्ट प्रियंका ने टेस्ट कर लिया है मीठा समोसा, आप बताएगी टेस्ट कैसा है बता। अच्छा रसीला है। रसीला रसीला बखर होगा ना। टेस्ट कर लेती हूँ। काफ़ी टेस्टी हो रहा था, मैं सारे सती से भी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है ना मीठा समोसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है। अब हम जा रहे हैं चौधरी चाट पे, जो यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। चौधरी चाट देते हैं हम डस्टबिन में। कितना थूक रखा है। चौधरी चाट गाइस, ये बहुत ज़्यादा फेमस चाट की दुकान है यहाँ पे। समोसे भी पक रहे हैं। प्रियंका तू क्या खाएगी बताओ? समोसा। का एड इंस्टाग्राम पे भी देख रही थी कहीं पे। हम आ चुके हैं अल्मोड़ा के सबसे फेमस चाट की दुकान, यानी कि चौथी चाट। आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुन लो, क्योंकि मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रही हूँ। एक बार हम फरादी लोगों के साथ किम्बोराम सब आए थे ना, कैंट गए थे जिसने, उस दिन यहाँ भी आई थी, तो मैं आज सेकंड टाइम पे आ रही हूँ। यहाँ का चाट बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी कहते हैं। प्रियंका तू फर्स्ट टाइम? तू भी फर्स्ट टाइम आ रही है? तेरा तो घर यहीं पे, अब तू रोज आना यहाँ, ठीक है? रहा हमारा समोसा, इसमें इन्होंने काफी दही भी, चटनी भी और छोले भी ऐड किया हुआ है, और साथ में हमें यहाँ पे जलजीरा भी मिलता है। ये जलजीरा ही है। प्रियंका टेस्ट करके बताएगी पहले। बहुत काफी गाइस, चटनी तो बहुत ज्यादा मिट्टी हो रही है, दिन टेस्टी हो रहा है चटपटा ना। इस अंदर बच्चे बैठे हुए हैं कॉलेज के, स्कूल के, पता नहीं व्लॉग व्लॉग चिल्ला रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं व्लॉग बना के कोई क्राइम तो नहीं कर रही हूँ, जितना सीखने के लिए बात करते हैं। गाइस फाइनली खा लिया है, बहुत ज्यादा मिर्ची होगी। कैसा लगा प्रियंका चाट? कितना अच्छा। मिर्ची कितनी थी? मिर्ची मेरे को नहीं लगी, मतलब तू ज्यादा मिर्ची खाते हैं। मैंने चटनी पी, मतलब वो जो जलजीरा वाला रस था जो भी था वो पिया, तो उससे बहुत मिर्ची लगी। मैं भी खाती हूँ ज्यादा मिर्ची, लेकिन अभी मुझे कुछ ज्यादा ही लगती है। गाइस प्रियंका का घर तो, प्रियंका का घर तो यहीं पे है, वो चली गई अपने घर। अब मैं जाती हूँ हॉस्टल, 4 बज चुके हैं, 1 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगी। अभी हमारे कॉलेज के बच्चे जा रहे थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे थे शायद, वो BCA वाले, और उन्होंने मेरा नाम क्या रखा है? रसगुल्ला दीदी। अभी रसगुल्ला दीदी कह रहे हैं, मतलब सबने मेरा नाम ही चेंज करके रख दिया, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। वैसे थाना बाजार से आने में फायदा है, जल्दी पहुँच जा रहे हैं यहाँ से, वहाँ से तो मैं 1-2 घंटे पहुँच गए। यहाँ हमारे हॉस्टल के साथी जाने माने चंदा जैसे लोग मिल जा रहे हैं। ये क्या खरीद के ला रही थी खाना तो जरा? ये है हॉस्टल वालों का कूड़ा का भाड़। क्या क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट कहाँ जाता है बताओ? मेरा तो यही जाता है, कुरकुरे चिप्स वगैरह इन चीजों में। गाइस आ चुके हैं हम, आज हमने डांस प्रैक्टिस भी करी, किस चीज की करी वो बात बताएंगे आपको, ठीक है? और ये मैंने वाले हेडफोन रख लिए हैं, और क्या बोलते हैं, हर्षिता ने स्काई ब्लू वाले रख दिए हैं। मेरे 573 हो रहे ना, मुझे कम लग रहे हैं इसलिए पूछ। और इससे पता है कानों में बाहर क्या आवाज आ रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कम आवाज आ रही है। अब मैं वैसे कम सुनती थी, अब मैं और कम सुनूंगी और मैं ज्यादा जोर से बोलूंगी। चुनरी पहनी पहनी चमकनी गुलाबी शरारा।